कहां से होगा कि बताया प्रेमी श्रोताओ कि जब वो बटियारी रानी अमली को न्यू कहने लगी कि सौदागर के जहाज पे तुझे खाना दे के आना है, तो न्यू कहने लगी, अरे बटियारी मैं तेरे यहाँ नौकरी करती हूँ, इसका यह मतलब नहीं हुआ तू मुझे गैर पुरुष के पास भेजेगी। अरे मैं सती स्त्री हूँ, पतिवर्ता स्त्री हूँ, और पतिवर्ता औरत का किसी गैर पुरुष के जाना ठीक नहीं होता। और कुछ काम करवा ले, लेकिन सौदागर के पास मत भेजे। किस तरह से हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है रानी अमली बटियारी के सामने और क्या कहती है, क्या लिखा फौजी मेहर सिंह जी ने अपने कलम से, हाथ जोड़ के कहरी सुन हो सनंद के मानस दोरे मत भेजे भटियारी। समय किसी भी इंसान का हमेशा एक जैसा नहीं रहता,
कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। अरे समय बिगड़ गया इसीलिए यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो तेरे जैसी की तो मैं बातों को नहीं माना करती थी। किस तरह से क्या कर लगी दूसरी लाइनों में मेरा क्यों बज जात करे से बीच में आए, वो भी 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। पप्पू जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। न्यू कहने लगी रानी अमली सुदे उससे बटियारी से कि एक समय वो भी था कि जब उस सुदेशना ने उस द्रौपदी को कीचक के पास भेजा था, उसका भी अंजाम बहुत बुरा हुआ था। और जब तू आज करने जा रही है, अगर मैं सच में उस सौदागर के पास चली गई तो इसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या समझा लगी तीसरी लाइन में Oh!
खिदमत हाजिर खिदमत दार रहूं तेरे आगे के फिर ना से करके मेहनत करके दुनिया के माँ पेट खड़ा भरना से मेहनत करके दुनिया